ఎంఆర్ న్యూస్ గొప్పగా ఇంకా డెవలప్ కావాలని చెప్పి వారికి సోదరులకి कंटेनमेंट बोर्ड के इलाके वार्ड नंबर 6 अंबेडकर नगर की झोपड़ियों को रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से तोड़ दिया गया, जिसकी वजह से वहां रहने वाले मुखामिया रोड पर आ गए हैं। जैसे ही ये बात बीआरएस पार्टी के सीनियर लीडर और कंटेस्टेड एमएलए कैंडिडेट श्री गणेश साहब को मालूम हुई तो फौरन ही वहां पर पहुंचकर उन लोगों से मुलाकात की जिनके झोपड़ियों को तोड़ दिया गया। अवाम ने इस दौरान उन्हें बताया कि कुछ लोग इन्हें जानबूझकर वहां से हटाना चाहते हैं। श्री गणेश ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो उनके साथ है और बीआरएस पार्टी कंटोनमेंट इंचार्ज मरी राजशेखर रेड्डी, एक्स बोर्ड मेंबर पांडू यादव और कुकटपल्ली के एमएलए माधव राम कृष्णा राव से इसके ताल्लुक से वो बात करेंगे और यहां पर फिर से झोपड़ियां डालेंगे। इनके साथ इस दौरान श्री गणेश के फॉलोअर्स भी मौजूद थे। किंद्राबाद मोंडा मार्केट के इलाके औदया नगर में आज मिनिस्टर तलसनी श्रीनिवास यादव साहब की सदारत में पाला हरम बंडी निकाली गई, जिसमें पोतराज के साथ मिनिस्टर साहब भी नाच पड़े। इस पाला हरम बंडी के प्रोसेशन में कई किस्म के फैंसी ड्रेसेस डालकर लोग नजर आए। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलके। सिकंदराबाद मोंडा डिवीजन के इलाके लोया नगर में एमएलसी प्रभाकर के 6 लाख रुपए के फंड से आज बोरवेल डाली गई, जिसका इनॉग्रेशन मरहूम एमएलए सायना की बेटियां लासिया नंदिता और निवेदिता ने किया। इनके साथ इस प्रोग्राम में एक्स चेयरमैन टीएन श्रीनिवास, पानसा संतोष, सनाधी राजैया, वाजिद हरी, उमा शंकर और स्वामी भी मौजूद थे। जय सायना, जय सायना, जय सायना, जय सायना।
कंटोनमेंट बोर्ड के इलाके बोइनपल्ली एग्रीकल्चर मार्केट के पास अंजया नगर के झोपड़ियों को बालनगर मंडल के MRO की निगरानी में तोड़ दिया गया बिना किसी नोटिस और इत्तला के। वहां के मुकामियों ने यह बात TSMDC चेयरमैन मन्ने कृषांग के सामने जाहिर की। उन्होंने फौरनी तौर पर मौके पर पहुंचकर उन लोगों को भरोसा दिलाया कि वो उनके साथ है, जिसके बाद जिन लोगों के भी झोपड़ियों को तोड़ा गया था उन्हें कुछ ग्लॉसरीज और सामान दिलाए गए और कहा कि वो CEO मधुकर नायक तिरुमलगिरी मंडल के MRO से इसके ताल्लुक से सर्वे करेंगे और उनकी झोपड़ियों को फिर से बनाएंगे। इनके साथ मोनी रघु भी मौजूद थे। कंटोनमेंट बोर्ड के इलाके वार्ड नंबर 2 गन बाजार में लो टेंशन लाइन के वायर को बदला गया। तफसीलात के मुताबिक किसी अनजान शख्स ने मोटरसाइकिल की चेन को लो टेंशन वायर लाइन पर फेंक दिया, जिसकी वजह से लो टेंशन वायर लाइन टूटकर रोड पर गिर पड़ी। जैसे ही ये बात आवाम ने एक्स वाइस प्रेसिडेंट सदाकिशव रेड्डी साहब को बताया तो उन्होंने फौरन तौर पर जिमखाना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के डिविजनल इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर को बताया और उन्होंने इलेक्ट्रिकल स्टाफ को भिजाकर उस LT वायर लाइन को बदलकर नई वायर लाइन लगवाई। आवाम ने सदाकिशव रेड्डी साहब और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा किया। इस काम में इनके साथ जब्बार जूनियर, जब्बार, सैफ और विजय भी मौजूद थे। BRS पार्टी वार्ड नंबर 7 के डिवीजन प्रेसिडेंट तेजपाल ने तिरुमलगिरी की महाकाली मंदिर में पूजा की और हुकूमत तेलंगाना की तरफ से दिए गए 30,501 रुपए का चेक मंदिर के EO महेंद्र रेड्डी को दिया। इनके साथ इस दौरान ज्ञानेश्वर श्रीनिवासन, राजू, शांतामूर्ति और श्रीधन भी मौजूद थे। बोनालू फेस्टिवल होने के मौके पर बोइनपल्ली एग्रीकल्चर मार्केट में बोनालू फेस्टिवल मनाया गया और पाला हरम बंडी निकाली गई, जिसमें एक्स चेयरमैन TN श्रीनिवास, डायरेक्टर देवलपल्ली श्रीनिवास, संतोष, कनकराज, एलेश, श्रीनु, अंजी और मल्लेश ने हिस्सा लिया और पूजा की। इसी के साथ आज की न्यूज़ बुलेटिन मुकम्मल होती है। ट्विन सिटीज़ की और खबरों और जानकारियों के लिए MR News चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।